अभी आपकी कंपनी की शायद मार्केट कैप 200-250 करोड़ है, वो तो मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइस, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इन्वेस्टर्स आपके विजन के बारे में जानना चाहे तो नेक्स्ट 5 ईयर्स का एक हमको विजन बताइए अपनी कंपनी सुदर्शन फार्मा की। मैं नेक्स्ट 3 ईयर्स का विजन बताता हूँ, बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक नॉक्स। मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई कंपनी और नई बिजनेस के खोज में आज हम आ चुके हैं पालघर महाराष्ट्र में। हम मिलने जा रहे हैं एक लिस्टेड फार्मा कंपनी, कंपनी का नाम है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी के यूनिट में हम जा रहे हैं जहाँ वो मैन्युफैक्चर करती है API स्पेशलिटी केमिकल्स और फॉर्मुलेशन के। जानेंगे कंपनी कैसे बिजनेस करती है। तो दोस्तों, क्या ये एक मल्टीबैगर बन सकती है, क्या आने वाले दिनों में इस कंपनी में एक बड़ा बिजनेस दिखता है, जानेंगे कंपनी के प्रमोटर से मिलके मेहता ब्रदर से और समझेंगे कंपनी का आगे का विजन क्या है। दोस्तों, कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए स्टॉक नॉक्स में लॉगिन कीजिए, फाइनेंशियल्स देखिए, देखिए कंपनी के कौन है टॉप शेयर होल्डर्स। कंपनी को फॉलो करना मत भूलिएगा और कंपनी को आप टैग करके उनसे क्वेरीज भी कर सकते हैं जहां कंपनी के प्रमोटर्स आपको आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कंपनी को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कंपनी से मिलने। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, हम पहुंच गए सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस में, फैक्ट्री में इनफैक्ट, और जहां आज हम मिलने वाले हैं मेहता ब्रदर से, हेमल जी और सचिन जी से। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं वो क्या करते हैं। हेलो हेमल जी। हाय विष्णु जी। मजेदार जगह आपकी फैक्ट्री है, क्या सीनिक ब्यूटी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो सर, आप यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सर, हमारा यहाँ पे फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और ऑइंटमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। और जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स का प्लांट आपको सचिन सर दिखाएंगे, तो वो भी अच्छा, वो और कहीं है? और कहीं है, यस। तो पहले आपका प्रोसेस में फॉर्मुलेशन लेटर आता है और पहले API आता है? स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, API एंड फिनिश फॉर्मुलेशन, और बाद में ब्रांडिंग करते हैं। तो वो यहाँ से कुछ दूरी पे है? यस, जेजुरी पुणे में है वो। तो अभी आप सचिन जी हमको वहाँ पे ले जा रहे हैं? सचिन जी, तो चले हम लोग। Yes. तो फिर हम वहाँ से वापस आके आपसे वापस मिलते हैं। जी, चलिए आपसे। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं झिजूरी पुणे, जहाँ हम देखेंगे कैसे ये API मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर वापस आते हैं यहाँ पे और तब आके देखते हैं कि फॉर्मुलेशन प्लांट कैसे चलते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू झिजूरी। चलिए देखते हैं वहाँ पे। एक 100% सब्सिडियरी है जिनको सुदर्शन फार्मा ने अभी रिसेंटली एक्वायर किए, जाके देखते हैं क्या बनाते हैं वहाँ पे, फिर वापस आते हैं यहाँ पे पालघर। तब तक फॉलो अस। सचिन जी, आप हमें क्या दिखाने वाले हैं यहाँ पे? आज मैं आपको हमारा फैक्ट्री का प्लांट पूरा दिखाऊंगा। ओके। एंड हम लोग लाइक 15 जगह पे जॉब वर्क कर रहे हैं। ओके। मोर देन 15 प्लेसेस। ये पूरा स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट, API एंड फिनिश फॉर्मुलेशन, ये पूरा एक्टिविटी है जो हम बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं। अच्छा। सो रिसेंटली हम लोग जॉब वर्क कर रहे थे रत्ना लाइफ साइंस। ओके। और वो सेम यूनिट हमने टेक ओवर किया है। तो यही वाली यूनिट है? यही यूनिट है, स्पेशलिटी केमिकल का यूनिट है। एंड सेफ्टी फर्स्ट, पहले हम हेलमेट ले लें। श्योर। ये हेलमेट पहनना जरूरी हो जाता है, राइट? 100%। ठीक है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स मतलब हम लोग क्या समझते हैं उसको? उसको उससे क्या समझ में आता है? स्पेशलिटी केमिकल्स इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। ओके। तो जो प्रोडक्ट्स है जिनसे इट इज डूइंग वंडर्स टू अवर ह्यूमन बॉडी, इट इज डूइंग वंडर्स टू अवर एनवायरमेंट, सो इट इज कॉल्ड स्पेशलिटी केमिकल्स। ओके। और मैं आपको इसका एक प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप स्पेशलिटी केमिकल और API फॉर्मुलेशन दोनों होता है? नहीं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स और API। ओके। फॉर्मुलेशन हम दूसरे यूनिट में कर रहे हैं। ओके। और मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट्स बताऊंगा, इसमें से आपको पूरा एक आइडिया वगैरह आएगा। हाँ। नेट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट वी आर डूइंग। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक रिएक्टर है, इट इज अ एक्सट्रैक्टर।
So ये एक्सपेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर मैन्युफैक्चरिंग विंड्रोसा फ्लावर इज अवर रॉ मटेरियल तो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाना चाहे आप वो चीज बनाते हैं जो कि ऑन्कोलॉजी में काम आता है मतलब ऑन्कोलॉजी में है प्लस अलोंग विद दैट जो हमारा ये यूनिट है स्पेशलिटी केमिकल यूनिट इसमें हम मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ओके बट अभी मैं आपको एग्जांपल दिया है एक स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन का एग्जांपल दिया है लाइक द सेम वे हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसा है जिसमें से ये एक्सट्रैक्शन यूज करके हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओके तो ये कितने एक्सट्रैक्टर्स हैं आपके यहाँ पे कुल मिला के टोटल ये हमारा रत्ना लाइफ साइंस है यू कैन से दैट इट इज अ मिनी स्पेशलिटी मल्टीपर्पज यूनिट मल्टीपर्पज फॉर केमिकल्स ऐसे ही हम और यूनिट्स ले रहे हैं जो इससे ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना बड़े हैं ऑलरेडी डील्स आर इन नेगोशिएशन ओके सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस यूनिट बिकॉज ये कॉम्पैक्ट है एंड वी कैन गेट मोर रिजल्ट्स फास्टर उसको यूज करते हैं फॉर्मुलेशन में जहाँ से हमको एंड प्रोडक्ट मिलता है जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है एम आई करेक्ट ओके तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या यूनिक कुछ दो चार अगर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप अपना बताएं तो क्या है सुदर्शन केमिकल्स का हमारा जो यूनिक एस्पेक्ट्स है दैट आर अवर यील्ड हमारे साथ पीएचडी डॉक्टर्स सब जुड़े हुए हैं ओके जो बाकी कॉम्पिटिटर से वी गेट अ बेटर यील्ड ओके अवर प्रोडक्ट कोई कस्टमर यूज करता है तो उनको बेटर क्वालिटी मिलता है जो हमारा प्रोसेस है वो यूनिक है वी हैव अ कंटीन्यूअस फ्लो प्रोसेस आल्सो ओके वी आर इंट्रोड्यूसिंग सूनर ओके सो ड्यू टू दैट रीजन कि ये पूरा हमारा जो प्रोसेस है इट कम्स ऑफ प्राइसिंग एज वेल एज क्वालिटी It becomes affordable. So हम लोग है right from the basic intermediates, we can say specialty chemicals, intermediates, उसके बाद API और formulation. ये पूरी chain से हम लोग जुड़े हुए हैं और ये chain से जुड़े होने के कारण हमारा product का price है वो affordable रहता है और quality best रहता है. ठीक है तो मैं जो समझ रहा हूँ कि पहले कुछ ये प्रोसेस में कुछ आप जॉब वर्क कराते थे अब वो यूनिट्स आप एक्वायर करने लगे तो उसमें एक यूनिट जो एपीआई फॉर्मुलेशन का इसको आपने एक्वायर कर लिया स्पेशलिटी केमिकल्स इंटरमीडिएट एंड एपीआई ओके ये तीनों यहाँ पे होता है सो आपने इसको एक्वायर कर लिया तो सारा चेन अभी आपके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर हम बोले वो सारा आपके पास कंप्लीट है राइट मैं आपको सेकंड रिएक्टर दिखाता हूँ दिस इज अ मल्टीपर्पज रिएक्टर ओके एसएस रिएक्टर ओके देयर इज वन मोर रिएक्टर नियर टू इट सो दिस ऑल आर मल्टीपर्पज रिएक्टर्स ओके सो यहाँ पे हम बहुत प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स बना सकते हैं ओके और एक मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जेमसिटाबिन का इंटरमीडिएट बनाते हैं okay. हम लोग T6 भी हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ओके okay. T6 से बनता है T8 okay. T8 से बनता है T9 ठीक है और T9 से जेमसिटाबिन बनता है okay. So, ये टेक्निकल टर्म्स जो आप यूज कर रहे हैं ये एपीआई इसके नाम है ये इंटरमीडिएट्स के नाम इंटरमीडिएट स्पेशलिटी केमिकल और इंटरमीडिएट्स के नाम ओके एंड ये पूरा एसएस रिएक्टर है स्टेनलेस स्टील फिर उसके आगे और एक एसएस है फिर आगे ग्लास लाइन रिएक्टर्स है ओके तो ये पूरा रत्ना लाइफ साइंस हम लोग पूरा एज अ पायलट स्केल एज वेल एज अ मिनी स्पेशलिटी कॉम्पैक्ट यूनिट है पूरा ओके एंड विच गिव्स अ मैसिव इफेक्ट एंड ऑलरेडी हमने मार्केट में सेल्स प्रोडक्ट करना चालू कर दिया है ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर्स लाइन अप है right. हमारे पास ऑलमोस्ट 1 year के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी रेडी है ओके एंड इवन You name the customer, we have the presence. That's our situation है in terms of specialty chemicals. जितने भी बड़े manufacturing units है इंडिया में बिकॉज अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी गए तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द मेडिसिन दैट कम्स फ्रॉम इंडिया ओके सो चाहे स्पेशलिटी केमिकल है चाहे इंटरमीडिएट है वी हैव अवर प्रेजेंस बिकॉज वी गिव इट टू ऑल दी मल्टीनेशनल वी गिव इट अवर रॉ मटेरियल्स टू माइलन हेट्रो हाइकल Even we supply to Dr. Reddy's, Levy's, okay. इतने भी नामचीन लोग हैं वो सभी को हम रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं। तब मैं अगर आपकी अगर थोड़े से नंबर्स की बात करूं तो एज अ परसेंटेज एपीआई या स्पेशलिटी केमिकल या इंटरमीडिएट्स कितना परसेंटेज आपका उसमें टर्नओवर में हिस्सा है और कितना फॉर्मुलेशन या बाकी सब है अगर आप कुछ परसेंटेज हमें बता पाए वी हैव द बेसिक केमिकल बेसिक केमिस्ट्री इज 40%
एंड रिमेनिंग वी कैन सी ऑलमोस्ट 50% इज ऑल स्पेशलिटी केमिकल्स. ओके. एंड बाकी का जो 10% वगैरह है वी हैव एपीआई एज वेल एज वी हैव फॉर्मुलेशंस आल्सो. सो 50% अगर आपका स्पेशलिटी केमिकल है और आपने अभी ये यूनिट एक्वायर कर लिया है तो कितना हमको जंप आगे वाले दिनों में दिख सकता है आपका टर्नओवर पे? ऐसा हो सकता है या वो कांस्टेंट ही रहेगा? 100% रहेगा. देयर विल बी आराम से 30% टू 20% जंप होगा टॉप लाइन में. या 100%. ओके. एंड साथ साथ में बॉटम लाइन भी बढ़ेगा. ओके. नाउ वी आर हैविंग द यूनिट वेयर वी कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन. सो मार्जिन में भी इफेक्ट आएगा क्योंकि अब आपका ओन्ड हो गया. 100%. एक लास्ट प्रश्न आपसे, अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो करेंटली कितनी कैपेसिटी में आपकी यूनिट चल रही है? दो आई अंडरस्टैंड कि आपने रिसेंटली इसको एक्वायर किया. रिसेंटली? हाँ. और रिसेंटली हम लोग जो करेंटली 35% ऑफ दी कैपेसिटी हम लोग चला रहे. बस 35%. अभी सब रॉ मटेरियल्स ये दो रिएक्टर्स के आ गए हैं. सो वो भी स्टार्ट हो जाएगा. अभी जैसे आप देख सकते हो ये दो यूनिट अभी फंक्शनिंग में है. सो लास्ट लाइन रिएक्टर भी अभी ऑन है और आगे का सेकंड लास्ट लाइन रिएक्टर है वो भी ऑन है. तो जगह पे बैचेस चालू है. सो पूरा टीम है एंड वी हैव लाइक हमारा जैसे मैंने आपको बताया यील्ड इज अवर मेन कंसेप्ट. राइट. तो जो भी हमारे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनको यील्ड ज्यादा मिलता है. प्लस हम लोग साथ साथ में पैरेलल आरएनडी में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं. हम लोग पूरा इन प्रोसेस आगे जा रहे हैं. लाइक हाउ विल बी द प्रोसेस फ्लो टेक्नोलॉजी. हां, जो आपका इन हाउस लैब भी है. इन हाउस लैब भी है हमारा. एंड तो यहाँ पे आपने रिएक्टर पे जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसमें हमारे पास पूरा इनलाइन प्रोसेसिंग टेस्टिंग है. तो जैसे ही ये प्रोडक्शन अगर बन गया है या ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन आता है तो हमारे पास पूरा एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. ठीक है. एंड इसके बाद हमारा पूरा वेट जो मॉलिक्यूल है वो पूरा सेंट्रीफ्यूज में जाता है और वहाँ पे वो पाउडर फॉर्म में बाद में मिलिंग में कन्वर्ट होता है और पैकेजिंग होता है. इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, जितना यहाँ से आउटपुट निकलता है वो क्या सारा आप खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं? यस. ओके. एंड एज वेल एज अभी हम लोग जैसे ही 35% से हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो वी विल एबल टू कैटर ऑल द कस्टमर्स. सचिन जी आपने बहुत अच्छे तरह से हमें बता दिया इस यूनिट का. अब अगर एक प्रश्न, एक चीज, ऐसा चीज जो आप बताना चाहेंगे अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए, क्योंकि ये आपके शायद जो कस्टमर्स होने वाले हैं वो भी आपका ये वीडियो देखें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? क्यों आपसे वो माल अपना प्रोडक्ट्स ले और क्या आपका ऐसा यूएसपी है? ओके. एज अ सुदर्शन फार्मा वी फोकस ऑन क्वालिटी. हमारा क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है और जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको यील्ड अच्छा मिलता है. ओके. एंड हमारे अभी टोटल मोर देन 15 यूनिट्स है चौपक जो हमने ये रखना लाइसेंस अभी हमने टेक ओवर किया है. सो इससे हमारा स्ट्रेंथ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एवरीथिंग इज इन अ बास्केट. ओके. तो जितने भी मेरे कस्टमर हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग मोर देन 15-16 जगह पे जॉब वर्क कर रहे हैं. ये यूनिट हमने टेक ओवर किया है. ऐसे ही हम और दो यूनिट अभी टेक ओवर कर रहे हैं. ओके. मीनवाइल हमारा जो PLI स्कीम है विटामिन B6 मिला. सो नॉर्मली जितने भी फॉर्मुलेशन के इंडिया के कस्टमर है और इनफैक्ट गवर्नमेंट लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं वो सबका बेसिक रॉ मटेरियल B6 है. ओके. कोई भी मल्टीविटामिन सिरप है या टैबलेट है उसमें B6 कंपल्सरी. ओके. सो ये प्रोडक्ट की वजह से हमें एक यूनिक सेलिंग पॉइंट मिलेगा, हमें टच पॉइंट मिलेगा बहुत ही मैसिव मार्केट. अलोंग विद दैट जो PLI स्कीम में हम लोग जो यूनिट है भाड़ में वो 21,000 स्क्वायर फीट है, मोर देन 5.5 एकर का लैंड है वहाँ पे. हमें इसे मिल गया है तो वन एंड हाफ ईयर वो यूनिट स्टार्ट हो जाएगा. ओके. वहाँ पे टोटल 3 ब्लॉक से हम लोग आ रहे हैं. एक ब्लॉक पूरा प्योरिफिकेशन का है जहाँ पे हम DP USP IP ग्रेड के सॉल्वेंट दे सकते हैं. जो सेकेंड ब्लॉक है वो इंटरमीडिएट है, वहाँ पे हम मोर देन यू कैन से मोर देन 40 टाइप्स के स्पेशलिटी केमिकल और इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं. ओके. और उसके बाद आता है ब्लॉक दैट इज API ब्लॉक, वहाँ पे मोर देन 40 टाइप्स का API मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. सो यू कैन सी कि ये पूरा जो क्लस्टर है इट विल बी अ यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड हम लोग एक इंडिया के MNC 100% बन जाएंगे. और आपके पास सबसे ज्यादा रहेगा कि प्राइसिंग पे एज आ जाएगा. yes. आपका जो प्राइसिंग विल बी ऑन एज एज वेल एज जो हम लोग बेसिक रॉ मटेरियल से लेके स्पेशलिटी केमिकल इंटरमीडिएट API और फॉर्मुलेशन ये पूरा प्रेजेंस होने की वजह से हमारा जो
मार्केट में लाइक अफोर्डेबल प्राइस इन टर्म्स ऑफ स्पेशलिटी एपीआई एंड फॉर्मुलेशन एंड ब्रांडिंग ऑल्सो. सो ये सब चीज में हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है दैट यील्ड क्वालिटी एंड वी हैव अ टेक्नोलॉजी. हमारा कटथ्रोट टेक्नोलॉजी है सो व्हिच विल गिव अस अ कॉम्पिटिटिव. और इन हाउस लैब है ये आपका जहां आपको क्वालिटी बहुत अच्छा देते हैं. एब्सोल्युटली ट्रू. सो डेफिनेटली वी विल बी सर्विंग आवर कस्टमर विद क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल. हम पालघर जाने वाले हैं. हाँ आप फॉर्मुलेशन होता है आप ये बताइए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सचिन जी एंड फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो ब्यूटीफुल. थैंक यू. तो दोस्तों ये थे सचिन जी जहाँ उन्होंने हमें एक यूनिट का बताया जिसको उन्होंने रिसेंटली टेक ओवर किया है जहाँ वो स्पेशलिटी केमिकल्स एपीआई और इंटीग्रेशन में बनाते हैं. तो दोस्तों अब हम जाएंगे पालघर यूनिट. कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल जानने के लिए आप लॉग इन कीजिए स्टॉकनॉक्स को, फॉलो कीजिए सुदर्शन फार्मा को. दोस्तों अगर आप इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कम्युनिटी पेज में जाइए स्टॉकनॉक्स के और टैग करके इनसे प्रश्न पूछिए ताकि ये आपको आंसर करें. कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो स्टॉकनॉक्स में लॉग इन करिए. तो चलते हैं पालघर, मिलते हैं वहाँ. हेमल जी, हमने आपका झिझुरी वाला प्लांट देख लिया, काफी डिस्टेंस कवर करके वापस हम पालघर आ चुके हैं. अब यहाँ पे आप क्या बताने वाले हैं हमें? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सेफ्टी के लिए आपको ये हेड कैप दूंगा. अच्छा ये पहनना है? हाँ हेड कैप है. हाँ हाँ ये मैं भी आपके ये पहनता हूँ. मैं समझता हूँ कि ये पहनना जरूरी है लेकिन क्योंकि कन्वर्सेशन नहीं आएगा तो एक बार इसे साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए. ठीक है. अभी जो आपने वहाँ पे देखा तो हमारे जो मेन बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल्स इंटरमीडिएट्स और एपीआई का है. उसमें हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से जो फिनिश फॉर्मुलेशन बना लेते हैं वो ये प्लांट में बनाते हैं. तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन बनता है जिसका एपीआई एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स जैसे जेमसिटाबिन का भाई ने आपको एग्जांपल दिया होगा उसका स्पेशलिटी केमिकल्स हम लोग लाते हैं. स्पेशलिटी केमिकल से इंटरमीडिएट्स बनता है, इंटरमीडिएट से एपीआई बनता है और एपीआई यहाँ पे फिनिश फॉर्मुलेशन बनता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका फिनिश प्रोडक्ट्स बनता है जो कि फॉर्मुलेशन से. यस. तो हम ये प्रोसेस के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले हम आपके थोड़ी बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने. मेन बिजनेस है आजकल क्या है, अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो कुछ हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. रेवेन्यू हमारा ग्रेजुअली बढ़ रहा है. ठीक है. हमने स्पेशलिटी केमिकल में मास्टरी की है, मतलब केमिकल इंजीनियर और मेरे साथ सब डॉक्टरेट की पीएचडी की टीम जुड़ी हुई okay. है. तो हम टेक्नोलॉजी में मास्टर है. ठीक है. आपने सचिन भाई ने यह भी बताया होगा कि हम लोग फ्लो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. हमारा जो न्यू डेवलपमेंट आ रहा है कंटिन्यूस प्रोसेस से आ रहा है. क्वालिटी के लिए हम लोग जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. आपके इन हाउस लैब भी है, माइक्रो लैब है right. तो कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. ठीक है. वैसे प्रोडक्ट बना के मार्केट में रखेंगे और पूरी प्रोसेस में हम होने के कारण हम लोग अफोर्डेबल है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं. ठीक है. तो बिजनेस हमारा ग्रेजुअली ग्रो आ रहा है, 29% ग्रोथ से हम लोग जा रहे हैं. आप टॉप लाइन की बात कर रहे हैं? टॉप लाइन की बात कर रहा हूँ. अच्छा. तो 357 का हमारा टॉप लाइन था लास्ट फाइनेंशियल 22 से 23 में हमने जंप किया 461 विदाउट जीएसटी. ठीक है. अब खाली हम टॉप लाइन की बात करते हैं. ये ग्रोथ आपके कैसे आया? आपने क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है या आपने नए प्लांट बिठाए? ये ग्रोथ कैसे आया आपके? यस, हमने ग्रेजुअली हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया. ठीक है. हमने 17 जगह पे अलग अलग जगह पे जॉब वर्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ओके. हम लोग टोल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. ओके. दूसरे के प्लांट में लोन इन लाइसेंस लेके मैन्युफैक्चरिंग करना. ओके. अभी हम लोग ग्रेजुअली प्लांट डेवलप कर रहे हैं बिकॉज हमारी जो प्रोसेस है वो सीक्रेसी है, वो मेंटेन होनी चाहिए. अभी हम लोग प्रोसेस पैटेंट फाइल कर रहे हैं. 3 प्रोडक्ट का हम लोग पैटेंट फाइल कर रहे हैं तो प्रोसेस लीक नहीं होनी चाहिए. इसके लिए हम खुद के प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं. तो आप जो ये प्लांट्स एक्वायर कर रहे हैं इसकी फंडिंग कहाँ से ले रहे हैं? इंटरनल एक्रूवल से या फंड रेज करने का सोच रहे हैं? सर देखो लास्ट ईयर का आप देखेंगे ना तो हमने फेब्रुआरी में हमने प्री आईपीओ हमने फंडिंग किया था 22 करोड़ का किया था. वो सब हम लोग कैपेक्स में यूटिलाइज कर रहे हैं. 50 करोड़ का हमने वर्किंग कैपिटल के लिए आईपीओ किया मार्च में किया था. उसका हमने वर्किंग कैपिटल का बैकअप मिल गया. ठीक है. तो हमारी फुल फ्लुएंसी जा रही है और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सारा कैपेक्स कर रहे हैं, ग्रेजुअली जा रहे हैं. जैसे हमारा पीएलआई स्कीम आ रहा है महाड़ में 21,000 स्क्वायर मीटर में प्लांट है. ओके. तो वो प्लांट में हमने अभी लोन लिया हुआ है. ठीक है. डेट अभी हमारा जस्ट हमारा सैंक्शन होकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा से. ठीक है. तो वो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. मेरा ईसी भी अभी आ गया है तो वहां पे विटामिन बी1 विटामिन बी6 इंटरमीडिएट्स और एपीआई 40 एपीआई वहां पे बनेंगे. ओके. तो हम लोग ग्रेजुअली अभी ग्रोइंग में जा रहे हैं एपीआई की. तो हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ने वाला है, 29-30% ग्रोथ पे जा रहे हैं. EBITDA जो है 36% पे ग्रोथ हम EBITDA पे आ रहे हैं. तो आपके आप
आपके कैपेसिटी से हमको आपने जो बोला उसमें ये समझ में आ रहा है कि आप प्रोसेस का पेटेंट फाइल कर रहे हैं, आप 14-15 जगह जॉब वर्क कर रहे हैं, उसमें से कुछ एक्वायर कर रहे हैं खुद के और उसको फंड कर रहे हैं, आपने जो प्री आईपीओ फंड और आईपीओ से पैसा लिया था उससे आने वाले दिनों के लिए अगर आपको और एक्वायर करना है तो आप सफिशियंटली फंडेड है। यस सर, और हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हमको बैक करेगा और हमारे पास इंसेंटिव्स है, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स आए गए वो हमको ब्रेक इवन जल्दी टच करने के लिए टच करेगा। क्या आप इबिटा मार्जिन्स के बारे में बताएं, मतलब आपके प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में बताएं। हमारा इबिटा मार्जिन ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन यस। इसमें क्या होता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो 30% मिनिमम मार्जिन रहता है, और उसकी एडिशनल जो लैब्स की और माइक्रो लैब्स की और जो कॉस्टिंग आती है, जो प्रोसेस डेवलप करने के लिए जो कॉस्ट लगता है, उसके लिए अभी इबिटा कम आ रहा है, और ग्रेजुअली हम लोग 30% मार्जिन से ग्रो करेंगे। और जो आज हमारा इबिटा 36% पे ग्रो हुआ है 22 से 23, तो उसी प्रकार से हम लोग 32-36% के ग्रोथ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो आपका टॉप लाइन इंक्रीज होगा, यस, और आप बोल रहे हैं मार्जिन एक्सपेंशन भी आएगा 100%। तो आपका इबिटा लेवल पे या प्रॉफिट लेवल पे पैट लेवल पे भी इंक्रीज होगा 100%। अच्छा, अभी आपकी कंपनी की शायद मार्केट कैप 250 करोड़ है, वो तो मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइस, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इन्वेस्टर्स आपके विजन के बारे में जानना चाहे तो नेक्स्ट 5 ईयर्स का एक हमको विजन बताइए अपनी कंपनी सुदर्शन फार्मा। मैं नेक्स्ट 3 ईयर्स का विजन बताता हूँ आपको। हम लोग यहाँ से 3-फोल्ड होने वाले हैं, 3 से 5 साल में आप यहाँ से सुदर्शन फार्मा को 3-फोल्ड कर सकते हो। बिकॉज क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट आ रहा है आज सबके आंख में आ रहा है कि भाई देखो किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, हमने फॉर्मुलेशन प्लान किया, हमने एपीआई प्लान किया, इंटरमीडिएट्स प्लान किया, अभी डिस्टिलेशन में भी हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे आगे आ रहे हैं, तो वो बेस के ऊपर हम लोग 3-फोल्ड आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये नंबर्स की बात करें जो कि आपके 3 गुना हो जाएंगे यहाँ से। अगर हम ऐसा चीज पूछे कि हेमल जी आप एक या दो चीज जो आप नहीं कर पाए आपको लगता है प्लांट में या आपके बिजनेस पूरे बिजनेस प्रोसेस में, वो क्या है जो आने वाले दिनों में आप करना चाहेंगे? सर एकदम ऑनेस्ट आंसर, ऑनेस्ट हम लोग इनक्योरेबल डिजीज के ऊपर और इनोवेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे हमारा हार्ट का एक फॉर्मूला है लोडिंग डोज ऑफ हार्ट अटैक, वो आने वाला है, प्लस कैंसर जैसी डिजीज जो ऑन्कोलॉजी की डिजीज है उसमें जो कॉस्टली दवाइयाँ हैं उसको हम लोग कैसे अफोर्डेबल कर सकते हैं और हर एक लोग तक पहुंचा सकते हैं और वो डिसीज कैसे हम लोग नाबूद कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, हमारे सब पीएचडीज लगे हुए हैं और हमारी माइक्रो लैब में आरएनडी सेंटर भी अभी नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या नहीं कर पाए उसका आंसर हमें नहीं मिला, आरएनडी नहीं कर पाए जो कि आज करना है बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है सर, एक प्रश्न जो हमने शुरुआत में छोड़ दिया था वो क्या, आप यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर करते हैं और वो प्रोसेस कैसे होता है पूरा आप हमें बताइए, बहुत छोटे रूप में संक्षिप्त में आप हमें बताइए क्या करते हैं, क्या हम चलते चलते बात करते हैं। मैं देखो फॉर्मुलेशन यूनिट है ये, फॉर्मुलेशन यूनिट हम दूसरे से अलग कैसे है, देखो हम लोग क्वालिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हर एक जगह पे यूवी लाइट्स लगे हुए हैं, हर एक जगह पे उसके मेजरमेंट्स लगे हुए हैं, आरएच फैक्टर मेंटेन किया हुआ है, हेपा फिल्टर लगा हुआ है, तो उससे आरएच फैक्टर से मेंटेन होने के कारण कंटामिनेशन का क्रॉस कंटामिनेशन का ये नहीं रहता है। तो आपका इन एंड आउट अलग है, इन एंड आउट अलग है, पूरा अलग है, और मेटल पार्टिकल के लिए भी उसका सेंसर्स लगे हुए है, उसके जो यूवी लाइट्स है जैसे एंटी बायोलॉजिकल रहते हैं, मतलब बायो मैट्रिक्स रहते हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म कीटाणु रहते हैं, उसको भी वो यूवी लाइट्स उसको क्लोज कर देता है। तो सबसे पहले क्वालिटी का फुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, क्वालिटी अश्योरेंस रहता है और हम लोग एश्योर्ड सेफ्टी सबके लिए एश्योर्ड सेफ्टी रहता है। और प्रोसेस में ऐसा है जैसे ही मटेरियल आता है, करेक्ट, पहले मटेरियल आता है, मटेरियल आता है, डीरस्टिंग होता है, डीरस्टिंग उसको क्वालिटी में जाना पड़ता है, क्वालिटी चेक के लिए अप्रूव होने के बाद वो अप्रूवल्स में जाते हैं, ठीक है, अप्रूवल्स में से वो पास बॉक्स में से पास होकर प्रोडक्शन में जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में एक हमारा स्पेशलिटी है सिरप के लिए जो हम लोग कोल्ड प्रोसेस वहां पे फॉलो करते हैं। कोल्ड प्रोसेस मतलब, कोल्ड प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे शुगर होता है ना उसको हॉट करके, नॉर्मल सभी कंपनियों में हॉट करके ये नॉर्मल प्रोसेस है, उसको हम लोग होमोजेनाइजर रहता है, जो होमोजेनाइजर शुगर का इतना बारीक कण कर देता है तो वो कोल्ड प्रोसेस से मिक्स हो जाता है और विद इन हाफ एन आवर्स 500 लीटर का पेस्ट तैयार हो जाता है। तो हमारा जो कैपेसिटी है जो 20,000 बॉटल पर शिफ्ट वो हम कैपेसिटी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो पूरा जो हमारा कैपेसिटी आप समझेंगे 20 लाख बोतल पर ये रहता है, जैसे इसमें प्रिपरेशन बनता है तो पूरा 20 लाख बोतल का एक प्रिपरेशन एट अ टाइम कर सकते हैं। तो मंथली बेसिस पे हम लोग ने प्रोडक्शन किया और वहाँ पे जो
क्वालिटी अप्रूव्ड होती है और हमारा जो स्पेशलाइजेशन है जो सिंक न्यू पैकेज आता है वो हम लोग करते हैं और अभी जो बैच बन रहा है वो ईस्ट अफ्रीका के लिए बन रहा है। ओके, तो यही मेरा नेक्स्ट प्रश्न था कि आप कौन से जगह में आप सप्लाई करते हैं, अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो इंडिया में कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं और बाहर कौन से देश? इंडिया में तो आप हर एक क्लाइंट, जैसे बड़े क्लाइंट में सन फार्मा है, जैसे लुपिन है, जैसे ऑल ऑन है, जैसे हम लोग स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स में भी हर एक, यू नेम द कंपनी वी हैव द प्रेजेंस, तो ऑल एमएनसी एंड ऑल बिग क्लाइंट्स वी हैव द वेंडर रजिस्ट्रेशन ओवर देयर। ओके, तो क्लाइंट बेस तो हमारा बहुत बड़ा है इंडिया। और बाहर में भी अभी हम लोगों ने अफ्रीकन कंट्री और आरओएस कंट्री रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसको हम लोग अभी कैटर कर रहे हैं। अभी ये ईस्ट अफ्रीका के लिए बैच बन रहा है तो अफ्रीका में हमारी बहुत ही अच्छी ये है। अगर अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछूं, एक्सपोर्ट और जो लोकल आप सप्लाई करते हैं, अगर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टर्नओवर बोले वो कितना है और आने वाले दिनों में आपका रुझान किधर रहेगा, कि आप डोमेस्टिक में ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट में आप ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं? एकदम फ्रेंडली बताऊं ना, अभी एक्सपोर्ट्स में इतने सारे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हो गए हैं उसके कारण ग्रेजुअली हम लोग ग्रो कर, अभी 28 प्रोडक्ट्स हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है और 14 कंट्रीज रजिस्टर्ड हुए हैं, अभी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए 1.5 साल लगता है, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑथराइजेशन, बाद में मार्केटिंग ऑथराइजेशन, बाद में हमको देना पड़ता है, तो हमारा एक्सपोर्ट्स अभी कम है मगर 1.5 से 2 साल में ग्रेजुअली हम लोग 3-fold कर देंगे इसको भी एक्सपोर्ट्स के लिए। हिमल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे प्रोसेस बहुत संक्षिप्त में आपने विजन भी शेयर किया। हमारे ये वीडियो से ना कि आपके इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी मिलती है, बट हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके आने वाले दिनों में बिजनेस भी ग्रो करे, आपके जो क्लाइंट्स वेंडर्स हैं उनको भी आपसे, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है आज के दिनों में प्लांट विजिट करना, तो एक अच्छा सा ओवरव्यू और अच्छा सा जो जानना चाहते हैं एज ए कस्टमर आपका ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए वो ये हमारी इस वीडियो से जानेंगे। तो अगर एक मार्केटिंग पिच आपसे हम करें, अगर हम आपसे मांगे आपके पोटेंशियल कस्टमर के लिए, तो आप कर सकते हैं हमारे इस वीडियो में, आप बता सकते हैं क्यों आपसे कोई आपका प्रोडक्ट ले। राइट, हमारी जो मेन थीम है वो क्रिएटिव केमिस्ट्री इज अवर कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, तो हम लोग क्रिएटिव केमिस्ट्री देते हैं, स्पेशलाइजेशन देते हैं, इनोवेशंस देते हैं, तो हमारे क्लाइंट जो हम सर्विस देते हैं और स्पेशलिटी देते हैं उसके लिए हमको कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और हमारी सर्विस उनको जो मिल रही है वो अभी इंडिया में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है वो टाइप का हमारा सर्विसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ग्रो। हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही ग्रो करते रहे, वापस हम आपके पास आए और आपके एक नई फैक्ट्री का हम कवर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी कहानी सुदर्शन फार्मा की, आशा करता हूँ आपको बहुत सारे चीज़ इस कंपनी के बारे में पता चला, अगर आप एक इन्वेस्टर है तो नए से ज़्यादा क्लैरिटी मिली, अगर आप फार्मा कंपनी के एक एंटरप्रेन्योर या फार्मा इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, और आप अगर एक पोटेंशियल कस्टमर है सुदर्शन फार्मा तो भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, याद है ना, कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए स्टॉकनॉक्स में लॉगिन कीजिए, कंपनी को फॉलो करिए सुदर्शन फार्मा को, इसको टैग करके लिखिए, आपको कंपनी के प्रमोटर जेमल भाई या कंपनी के कोई जरूर रिप्लाई करेंगे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई कंपनी के साथ, तब तक अलविदा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।